प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। किसान भाइयों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि किसान साथियों एक बार फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो राशि है वो ट्रांसफर हो चुकी है किसान भाइयों के खाते में। क्योंकि किसान साथियों 202.90 करोड़ राशि एक बार फिर मतलब दोबारा किसान साथियों अतिवृष्टि बीमा क्लेम की जो बेमौसम बारिश की राशि है किसान साथियों किसान भाइयों की फसल बीमा क्लेम की वो जारी हो चुकी है। तो ऐसे में किसान साथियों एक बात उठता है, बहुत सारे किसान भाई कमेंट करके भी पूछते हैं क्या अब किसान साथियों दूसरे नंबर पर दूसरी लिस्ट में किसान साथियों क्या अब डिफॉल्टर किसान भाई हैं, केसीसी खाताधारक हैं किसान साथियों या सोसाइटी खाताधारक हैं, इन सभी किसान भाइयों के खाते में अब अतिवृष्टि बीमा क्लेम की जो राशि है आएगी या नहीं आएगी। तो चलिए किसान साथियों जान लेते हैं, क्योंकि जारी बीमा क्लेम का जो पैसा है वो तो जारी हो चुका है, राशि आना किसान भाइयों के खाते में स्टार्ट हो चुकी है। तो अब सवाल ये उठता है कि अब किसान भाइयों के खाते में अतिवृष्टि बीमा क्लेम की जो अनुदान राशि है वो आएगी या नहीं। तो किसान साथियों मैं आपको बता दूं, जो राशि है अतिवृष्टि बीमा क्लेम अनुदान की, अगर आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आते हैं और किसान साथियों अतिवृष्टि बीमा क्लेम के अनुसार जो आपकी राशि है वो बर्बाद हुई है अगर, तो किसान साथियों आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो लाभ है वो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपका जो प्रीमियम है वो कटा हुआ है और आपकी सर्वे फसल की भी हुई है। तो दोस्तों चाहे आप डिफॉल्टर हो या किसी सी खाताधारक हो आपके खाते में, या किसान साथियों रेगुलर खाताधारक हो आपके खाते में, अतिवृष्टि बीमा क्लेम की जो राशि है वो 100% ट्रांसफ़र होगी।